हाँ तो भाई मेरे, अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है कि शॉटिंग हो गया, ठीक है, पेजिनेशन हो गया, पहले पेजिनेशन करेंगे, ठीक है, पेजिनेशन, शॉटिंग और सारा सर्वर साइड से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो एडवांस हो जाएगा ये चीज़। और तो पेजिनेशन, शॉटिंग, फिल्टर हो गया कॉलम बेस्ड भी, और आपका जो है क्या बोलते हैं, ग्लोबल ग्लोबल बेस्ड पे भी उसको कोशिश करेंगे, ठीक है, कि दोनों हो पाए। और अब जो चीज़ है जो अभी आगे हम लोग करने वाले हैं, तो आपके लिए तो एक ही वीडियो है ना, लेकिन मैंने तो ये प्रोजेक्ट पहले बना कर रखा हुआ है, फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक से दो बार मतलब रिपीट करते हैं ना, दूसरा बार, जैसे कोई बुक पढ़ते हैं तो पहला बार पढ़ते हैं अच्छा समझ में आता है, दूसरा बार पढ़ते हैं तो और अच्छे समझ में आता है। तो जो मैं अभी तरीका बताने वाला था वो घिसा पिटा नहीं था, वो सही था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड अभी बीच में रोका था, पॉज किया था और फिर से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी रिकॉर्ड करते वक्त फिर ना क्या हो गया कि माइंड में आइडिया कि भाई इसको ना और अच्छे से होता ना, कभी हिट कर जाता कुछ आइडिया कि भाई इसको तो ऐसे भी तो कर सकते थे, है ना, और फिर वो तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मतलब, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ओरिजिनल से अलग है। अब ऐसा नहीं मेरा होता कि कोई प्रोजेक्ट बना लिए तो सेम टू सेम ऐसा छाप दो वीडियो में, ऐसा बता दो। अगर बीच में आता है ना कभी कि नहीं इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और यहाँ पे तो दो फीचर्स और भी ऐड कर सकते थे, तो वो भी मैं मतलब कर देता हूँ। तो एक तरह से लाइव कोडिंग नहीं है बट लाइव कोडिंग जैसा ही कुछ मतलब यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो अभी बताने वाला था उसमें हो सकता था मेरे को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता, मतलब उतना नहीं बट फिर भी बात कर बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो बताऊँगा ये उससे शॉर्ट होगा और बहुत ही कमाल का होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको थोड़ा कोड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और रुको मैं देखता हूँ भाई ऑडियो में आ रहा है आवाज़, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रहा है, सही है, मतलब कभी क्या होता है ना बोल रहा हूँ आवाज़ ही नहीं जाता, रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम लोग जो मैं बोलने वाला था बीच में जो बताया आपको, थोड़ा सा कहानी सुना दिया, तो अभी हम लोग वापस आते हैं कोडिंग और क्या करेंगे जो जो कि कोड हमारा शॉर्ट पड़ जाए। एक्चुअल में क्या करते पता, शॉर्टिंग होता चाहे फिल्टर होता चाहे पेजिनेशन होता, जब भी करते ना तो एड्रेस वगैरह पे आता, तो इस कंपोनेंट से हम लोग वापस भेजते मेन राउटिंग पे, यहाँ से रीड करते हैं, फिर यहाँ से चेंज करते हैं, फिर यहाँ से डेटा जाता और फिर यहाँ से रीड होता और फिर नया डेटा दिखता। वो भी सही था, गलत नहीं था, वो भी मतलब सही था, लेकिन फिर अचानक से मेरे को आइडिया कि इसको ना किसी और तरीके से कर सकते, अचानक से हिट कर गया मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। तो थोड़ा मैं 5-10 मिनट पेपर वर्क कर लिया, थोड़ा सा मतलब विजुअलाइज़ कर लिया कि ऐसे ऐसे करने से सेफेस्ट तरीका क्या देखा, हाँ भाई ये तो कमाल का जो भी मेरे पास अभी अचानक आइडिया है। तो ऑरिजिनल प्रोजेक्ट में मतलब जो मैंने बना के रखा उसमें ये कोड नहीं है, बट ठीक है यही कोड मैं पुश कर दूंगा ना फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यही ऑरिजिनल कोड हो जाएगा, बट जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, समझ रहे हो। तो देखो अभी इसको करने के लिए, इसको जो है इसको अंजाम देने के लिए भाई क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ, ये जो एकदम एग्जैक्ट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप जो कि मतलब पेजिनेशन, सॉर्टिंग और फिल्टर से पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो लोडर फंक्शन होता है ना, पता ही आपको क्या होता है, जो राउट पे हिट करेगा उस कंपोनेंट लोड होगा, उससे पहले लोडर फंक्शन कॉल होता है, डेटा को लोड करके भेज देता है इस ये कंपोनेंट पे और फिर कंपोनेंट लोड होता है। हम लोग इस चीज़ को यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो और लेकिन वो घिसे पिटे तरीके से नहीं भाई, यूज़ इफेक्ट वो सब नहीं, ठीक है। देखो इसको थोड़ा कॉलेप्स कर देते हैं, ठीक है, टेबल को कॉलेप्स कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट का सस्पेंस और अवेट कंपोनेंट, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट जेएस से, रिएक्ट से सस्पेंस, सस्पेंस, ठीक है, और रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से भाई अवेट कंपोनेंट, ठीक है, अवेट कंपोनेंट ये रहा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को करेंगे लोड, ठीक है। तो यहाँ पे भाई करना क्या है, रुको 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 रुको, अभी ना अभी कुछ नहीं करते हैं इम्प्लीमेंट, अभी अभी करेंगे इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं कुछ नहीं करते हैं, अभी बस इंपोर्ट किया, अभी रुको एक फाइल बनाते हैं, वो कंपोनेंट्स रखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ना हम लोग चाह रहे हैं इसको थोड़ा रिफैक्टर करना ताकि वो सही से वर्क कर पाए, समझ में आ जाएगा। तो पहले रिफैक्टर कर लेते हैं, बाद में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये जो टेबल अभी तो बस इंपोर्ट किया हमने, तो कुछ चेंजेस नहीं किया जो है सो है, ठीक है, कहीं कुछ चेंजेस नहीं है, बस दो इंपोर्ट किया। तो हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक कंपोनेंट टेबल, ठीक है, क्वेश्चंस टेबल या क्या, टेबल क्वेश्चंस क्या रखें, क्वेश्चंस टेबल, क्वेश्चंस टेबल डॉट JSX और RAFCE, और यहाँ पे जो है भाई इस तरीके से क्वेश्चंस टेबल, ठीक है, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और जो है क्वेश्चंस में जाके बस यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, कहाँ पेस्ट करें, शीट के अंदर ही करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस टेबल ये रहा, इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। इसको सेव करते हैं तो फिलहाल इस तरह का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये जो टेबल है ना इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, ये पूरा जो कोड है टेबल का यह कट हो गया और इसको जो है यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको पहले राउंड ब्रैकेट है देते हैं, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत कुछ चाहिए, इंपोर्ट उम्पोर्ट बहुत कुछ करना होगा जो कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना इसको जो है टेबल को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, कट कर लेते हैं और टेबल को पहले यहाँ शिफ्ट करते हैं रिटर्न के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ला लिए। अब इंपोर्ट वगैरह भी करना पड़ेगा ये सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे ये लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, जो नहीं लगेगा वो हटा देंगे, जैसे क्रिएट कॉलम हेल्पर नहीं लगेगा और ये बॉक्स वगैरह बटन वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, हटा दिए। और डेटा कॉलम्स कोई बता रहा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पास करेंगे, तो यहाँ पे जो जो चीज़ नहीं लग रहा है वो यहाँ से हटाते हैं पहले। सस्पेंस लगेगा, ठीक है, टेबल नहीं लगेगा, ये वाला टेबल
और अवेट अभी लगेगा, अभी यूज़ करेंगे ना आने वाले अभी कुछ देर में, पहले इसको रिफैक्टर करके ऐसा बना लेते हैं ताकि वहाँ फिर हम लोग जब उसको इंप्लीमेंट करें ना तब दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से इस फेज़ में इसको ठीक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन टेबल में हम लोग भेजेंगे क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चाहिए भाई डेटा और कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स को भी वहाँ लेके जाते हैं क्योंकि कॉलम्स का कोई काम नहीं है, कॉलम्स और कॉलम हेल्पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई पेस्ट कर देते हैं और कॉलम्स करते हैं और क्रिएट कॉलम हेल्पर को इंपोर्ट कर लेते हैं। गलती से उसको रिमूव कर दिया था ना हम लोगों को, लगा था नहीं काम आएगा, तो इसको कॉलम्स कर देते हैं। सेव अभी तक किसी को भी नहीं किया, बस देख रहे हैं, ठीक है। और डेटा, तो डेटा जो है यहाँ से डेटा एज ए डेटा भेज देते हैं इस कंपोनेंट पे, ये हो गया। और यहाँ पे जो है इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं डेटा से डेटा को, तो डेटा में डेटा यहाँ बैठ जाएगा, कॉलम्स तो है ही, ठीक है। तो इसको इसको पहले सेव करते हैं, रुको रुको रुको, यहाँ कॉलम हेल्पर भी नहीं चाहिए और बटन भी नहीं चाहिए, अरे यार हाँ, और डाउनलोड जेस भी यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। डाउनलोड जेस और एक्सियस शायद वहीं पर लगेगा, तो वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे दोनों लग रहा है, एक्सियस यहाँ भी लगेगा बट यहाँ डाउनलोड जेस नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी सब सही है, क्लीन भी हो गया कोड, इसको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस में भाई बटन इज़ नॉट डिफाइंड, तो बटन तो भाई था ही, तो फिर क्यों दिखा रहे थे कि वो यूज़ नहीं कर रहे हो। हाँ तो आ गया ना भाई, सेम ही चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं, बस रिफैक्टर किए कोड को, क्लीन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लीन लग रहा है, समझ में आ गया। क्वेश्चन टेबल नाम का एक बना, इसमें डेटा पास करती हैं और बाकी वही सेम टेबल है जो यहाँ पे था, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन टेबल वही सेम कोड है, डबल क्लिक करते हैं ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, बस हम लोग रिफैक्टर कर दिए, ठीक है। बस अब इसको क्या चाहिए, इसको भाई सिंपली डेटा चाहिए बाहर से, बाकी इसका खुद का जुगाड़ या अपना सारा कुछ, खुद का काम सारा खुद से कर लेगा, ठीक है। देखा जाए तो अब जो मैं बोल रहा था उस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं, अब ये ईजी हो गया, ठीक है। तो अब देखो कैसे उसको करेंगे इंप्लीमेंट, तो हम लोग देंगे यहाँ पे सस्पेंस कंपोनेंट, ठीक है। सस्पेंस कंपोनेंट देंगे क्योंकि बिना सस्पेंस एपीआई के यूज़ नहीं हो सकता है अवेट, ठीक है। और यहाँ पे फॉल बैक देंगे, यानी डेटा लोड होने में मान लो 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, कुछ भी हो सकता है ना, 50 मिनट तो नहीं लगेगा। तो पी टैग देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोडिंग, ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोग अच्छे से देंगे, अब फिलहाल के लिए यही लोडिंग रखते हैं। और इसके अंदर अवेट कंपोनेंट देते हैं, अवेट कंपोनेंट दे दिए। अब अवेट में रिजॉल्व प्रॉप देना है जिसमें कि ना हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। ईयर ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, एक्सियस डॉट गेट, ठीक है। ये जो है यहाँ पे रिजॉल्व में बस पेस्ट करते हैं, एक्सियस है ना इंपोर्ट, हाँ नहीं हटाए थे, अच्छा हुआ। अब ये रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होकर वही सेम चीज़ करेगा जो यहाँ पे हो रहा था ना, रिजॉल्व होकर भाई रिस्पॉन्स दे रहा था, वही सेम चीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व करने का रिस्पॉन्स ये देगा। अब रिस्पॉन्स के यहाँ ले सकते हैं जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन टेबल पास कर देते हैं डेटा, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा का इसका जो कनेक्शन, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। डेटा कनेक्शन कट कर दे रहे, यहाँ पे ना डेटा से एम्प्टी एरे भेज देते हैं, नहीं तो फिर एरर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सही है, कुछ एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा ठीक रखें। और मेन जेस से भाई लोडर फंक्शन का कनेक्शन कट कर देते हैं, ठीक है। कोई लोडर फंक्शन नहीं होगा, जब यहाँ पे होगा नहीं तो यूज़ लोडर डेटा को हटा देते हैं, सिंपल है, हट गया, बहुत बढ़िया। अब डेट ये जो रिजॉल्व हुआ, ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा, यहाँ अवेट नहीं लगाना, ये अवेट कंपोनेंट खुद ही अवेट कर देगा। और ये रिजॉल्व करके डेटा जो इसके अंदर वाले जो चाइल्ड कंपोनेंट में हम दे देता है, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो इस कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, क्वेश्चन टेबल जो ये था, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या पता है, यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ एसिंक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिएक्ट आउटर डॉम से यूज़ कहीं नहीं किया गया, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ एसिंक वैल्यू, ये रहा, ठीक है। और यूज़ एसिंक वैल्यू से वो जो एसिंक्रीनियस वैल्यू है ना वो मिलेगा, और यहाँ पे रिजॉल्व डेटा मिलेगा, ये नहीं कि भाई पहले अनडिफाइन आ रहा फिर डेटा आ रहा है, वो सब भाई फालतू का काम यहाँ नहीं होगा, सिंपली ये जो है डेटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा नहीं देगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स लिखते हैं और सही रहेगा वो चीज़। यूज़ एसिंक वैल्यू को कॉल करते हैं, यूज़ एसिंक वैल्यू हुक को कॉल करते हैं और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सोल ओपन करते हैं, ये देखो, ठीक है। अरे यार इसका तो अलग, ये क्या है, इसको यार कुछ भी दिखाता है। तो यहाँ पर रिस्पांस में देखो कॉन्फ़िग दिख रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। डेटा में जो है एक मेटा मिलता है जिसमें पेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली, और भाई दूसरा जो मिलता है हमें यहाँ पे भाई ये पूरा डेटा देखो, ये आ गया ना 25 आया, क्योंकि मैंने बोला था शुरू में बाय डिफॉल्ट पेजिनेशन होता है बैकएंड की तरफ से, तो 25 डेटा बाय डिफॉल्ट लेता है। उसको ओवरराइड कर सकते हो, बट ठीक है, इसको हम लोग फ्रंट एंड से भी सेटअप कर लेंगे, मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करके, मतलब हाँ फ्रंट एंड से सर्वर से कनेक्ट करके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो डेटा मिल गया, एक्चुअली हमें डेटा चाहिए था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा में हम लोग लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है अगर आप इसको रिलोड करेंगे,
ओ सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं, क्योंकि डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा बोलने से भाई वो डेटा मानते, लेकिन फिर स्ट्रैपी ना फिर एक ऑब्जेक्ट भेजता है जिसमें कि डेटा प्रॉपर्टी होता है, तब लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, ठीक है ये चीज़। हाँ तो आ गया 25, तो सेम वही चीज़ था है ना, वही सेम चीज़ को, लेकिन अब इस बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आएगा, अब सोच नहीं सकते, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी से ना बहुत लफड़ा हो रहा था, मतलब चल रहा था वो, मैं बोला ना अभी 3 घंटे का हम लोग 1 घंटे में निपटा सकते हैं अगर इससे कर रहे हैं यूज़ एसिंक, क्योंकि मेरे को अचानक से हिट किया ये आइडिया कि ये चीज़ अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी अगर अपनाते हैं तो शायद, क्योंकि एक काम को जब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते हैं तो सेम चीज़ जब करने जाते भी है तो भाई माइंड में वो अलग अलग आपके दिमाग पे सजेस्ट करता है कि शायद इससे ऐसे करने से मे बी चीज़ सॉल्व हो जाए ना, माइंड वो सजेस्ट करता है, जैसे गेम खेलते तो कैसा होता है उस तरीके से। अब इससे यहाँ से इसको कौन से लोग हटाते हैं, अब ये क्लीन भी हो गया कोड है ना, क्लीन भी हो गया, तो अब जो है हम लोग पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है सर्वर साइड से कनेक्ट करके। अब कैसे होगा, अब चलो वो देखते हैं, क्योंकि कोड तो हमारा यहाँ पे क्लीन हो गया, कुछ एरर दे रहा भाई क्या कुछ क्या अच्छा डेटा थोड़े ना वहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है तो यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे जो है डेटा को नहीं भेजते, क्योंकि डेटा तो वहीं से एसिंक वैल्यू से निकाल ले रहा है ना। हाँ तो अब कोड जो है क्लीन हो गया हमारा, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोड क्लीन अप भी हो गया, नया स्ट्रैटेजी भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जो है अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि कैसे हम लोग पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं।